करण अर्जुन 2 में लीडिंग कास्ट के तौर पर किसे चुना गया है, इस पिक्चर में विलेन का किरदार कौन निभाएगा, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बोरीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, जब भी हम किसी फिल्म के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में उस पिक्चर को निभाने वाले वो तमाम कलाकार के नाम भी याद आ जाते हैं। जी हाँ, एक एक्टर या फिर एक्ट्रेस का मेन काम यही होता है कि फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन ऑडियंस तक पहुंचाई जाए। अगर आज हम इंडस्ट्री के बेस्ट ड्यू के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा ऑन स्क्रीन जिस जोड़ी को पसंद किया गया था वो थी सलमान खान और शाहरुख खान की जोड़ी। जी हाँ, इन दोनों भाइयों ने जहाँ करण अर्जुन ने करण और अर्जुन का किरदार निभाया था, ये फिल्म ना सिर्फ हिट साबित हुई थी बल्कि इन दोनों के एक्टिंग स्किल्स को भी लोगों ने काफी पसंद किया था। इस फिल्म के बाद करण अर्जुन की जोड़ी बॉलीवुड की एक आइकॉनिक जोड़ी साबित हुई। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था राकेश रोशन ने और इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाया था। साथ ही अमरीश पुरी इस पिक्चर में विलेन के किरदार में दिखे थे। फीमेल लीड की अगर बात करें तो इस फिल्म में काजोल, राखी गुलजार और ममता कुलकर्णी सपोर्टिंग रोल्स में नजर आई थी। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सलमान खान इस फिल्म में करण का किरदार निभाते हुए दिखे थे और साथ ही शाहरुख खान ने निभाया था अर्जुन का किरदार। फिल्म में करण और अर्जुन के मौत के बाद इनका पुनर्जन्म होता है और फिर ये दोनों दिखते हैं अजय और विजय के कैरेक्टर में। ओवरऑल इस फिल्म में किसी कैरेक्टर को लोगों ने सबसे ज्यादा जो पसंद किया और खास तौर पर उनकी एक्टिंग स्किल्स से लोग काफी प्रभावित हुए वो था ठाकुर दुर्जन सिंह का किरदार। जी हाँ, जिसे निभाया था अमरीश पुरी ने। वो दिखे थे इस फिल्म में विलेन का कैरेक्टर निभाते हुए और उनकी पर्सनालिटी को एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के तौर पर दर्शाया गया था पिक्चर में। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि राकेश रोशन इस पिक्चर के लिए सबसे पहले शाहरुख खान और अजय देवगन को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन इन दोनों ही एक्टर्स ने रोल करने से मना कर दिया। बाद में जब आमिर खान और सलमान खान को एक साथ अप्रोच किया गया तो उस वक्त आमिर खान ने ये प्रोजेक्ट करने से इनकार कर दिया और लास्टली करण और अर्जुन के आइकॉनिक कैरेक्टर को प्ले किया सलमान खान और शाहरुख खान ने। वेल, दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं आने वाले दिनों में करण अर्जुन का सीक्वल बनने वाला है। जी हाँ, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फिल्म में लीडिंग तौर पर कौन नजर आएगा और साथ ही ठाकुर का कैरेक्टर कौन निभाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से बॉलीवुड की आइकॉनिक जोड़ी यानी सलमान खान और शाहरुख खान करण अर्जुन के सीक्वल के साथ नजर आ सकते हैं। वहीं ठाकुर का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। करण अर्जुन 2 से जुड़ा तमाम डिटेल्स हम आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप शाहरुख खान और सलमान खान को एक साथ देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आनी पढ़ना बच को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक सबसे